चर्चा है कि बाबा रामदेव 5 साल गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव ने हाल ही में एक बयान दिया है कि वे कह नहीं सकते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जानकार लोग बाबा रामदेव के इस पलटी पर अब हैरान हैं और उनके बयान के सियासी मायने समझ रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। योग गुरु से देश के नामी बिजनेसमैन बन चुके बाबा रामदेव के सुर इन दिनों कुछ बदले बदले से हैं। इस साल होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले उनका हालिया बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कह नहीं सकते कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मतलब साफ है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से इस पद पर आसीन होने पर शंका जाहिर की है। बाबा रामदेव वही है जो साल 2014 के पहले तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा की ओर से पीएम पद के घोषित प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़े दिखाई देते थे। बाबा रामदेव ने 2014 के आम चुनाव में अपनी ओर से उनको खुला समर्थन भी दिया था, लेकिन लगता है कि अब योग गुरु ने पलटासन कर लिया है। Now political situation is very difficult. We cannot say who will be next prime minister or who will be the lead the country, but the situation is very interesting, the fighting situation in politics now, and now I'm not focusing on politics. बाबा रामदेव ने पहले अपने आप को दल निरपेक्ष भी बताया था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो अब वो पीएम मोदी की राजनीतिक सफलता पर संदेह जता रहे हैं। कहीं मोदी सरकार और उनके बीच अंदर खाने कुछ खींचतान तो नहीं है? कहीं बाबा रामदेव अवसरवादी तो नहीं हो गए हैं जो पीएम मोदी से अच्छा खासा सहयोग मिलने के बाद अब उनसे कन्नी काटने की फिराक में है, जिससे जब केंद्र की सरकार बदले तो उन्हें अपने व्यापारिक कार्यकलापों में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। स्मरण रहे कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में उनके द्वारा चलाया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान भी काफी चर्चित रहा था। इस दौरान साल 2011 की 4 जून की रात को उन्हें पुलिस की कड़ी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था। बाबा रामदेव अपने द्वारा स्थापित कंपनी पतंजलि योगपीठ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। समाज और जीवन से जुड़े कई क्षेत्रों में अब तक अपना कारोबार फैला रहे हैं, जिसमें केंद्र के साथ कई राज्य सरकारों का भी उन्हें अच्छा समर्थन और सहयोग मिला है। वे पतंजलि को 1,00,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी बनाने का संकल्प भी जता चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव के ठीक 2-3 महीने पहले जब बाबा का ऐसा बयान आया है तो मतलब साफ है, बाबा भविष्य की राजनीति के मद्देनजर पंगा लेने के बजाय पलटासन लगाने में ही भलाई मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।